और न सिर्फ पंजाब में आज शोक की लहर है, ये शोक की लहर सात समंदर पार तक है, क्योंकि उनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा, उन्हें वैसे भी कहा जाता था पंजाब जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उनका किंग कहा जाता था सिद्धू मूसेवाला को। तो लोगों के दिलों में अपने गीतों के ज़रिए उन्होंने जगह बनाई और आज उनके जाने के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से गम में डूबा हुआ है पूरा पंजाब, और गम की ये लहर न सिर्फ पंजाब में सात समंदर पार यूके और कनाडा जैसा देशों में भी है, क्योंकि वहाँ पर भी उनके गीत बहुत सुने और पसंद किए जाते हैं। गमगीन है माहौल और इस वक्त हम देख रहे हैं किस तरह से अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और समर्थकों का हुजूम वहाँ पर नज़र आ रहा है। जो परिवार वाले हैं वो तो गम में डूबे ही हुए हैं और एक दूसरे को दिलासा देते हुए भी नज़र आए उनके माता पिता, लेकिन यही शोक इस वक्त पूरे देश में नज़र आ रहा है। ये नाम कमाया सिद्धू मूसेवाला। देखिए पूरे देश जो समर्थक हैं जो विदेशों में रहते हैं उनके अंदर भी गुस्सा है, वो इस सिस्टम के खिलाफ गुस्से में है। आप देखिए कि पंजाब के लोग, हर एक शख्स जो यहाँ का है वो पूरी दुनिया को पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करता है, आज वो खुद ही सुरक्षित नहीं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये अभी शव यात्रा उनकी निकलनी शुरू होगी और मेरे पीछे यहाँ पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी आखिरी, और यहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा, वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। आपको लोगों के हुजूम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, सबकी आंखें नम हैं और गुस्सा बहुत ज़्यादा है। लोग जो सम्मान प्यार और भाईचारे के लिए जाने जाते हैं, जो लोगों के लिए खड़े होते हैं पूरे विश्व में, आज उन्हीं के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं। सिद्धू मूसेवाला जैसा, जिसे जैसे हमारी लोगों से बात हुई, एक किस्सा मैं ज़रूर शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक ट्रैक्टर देखा जाता था 5911 नंबर का, हर एक एल्बम में उनकी अक्सर एल्बम्स में होता था, उसी ट्रैक्टर पे उनकी शव यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। तो अमित भारद्वाज बता रहे थे उनके फेवरेट ट्रैक्टर 5911 के बारे में, और जिसका जिक्र उनके कई गीतों में भी आया, और आप इस वक्त देख रहे हैं उनके माता पिता किस तरह से उनके शव से लिपटकर रो रहे हैं, सदमे में है पूरा परिवार, और उनके प्रशंसक भारी तादाद में इस वक्त प्रशंसक वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके पैतृक गांव जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और अब उनके जो गीत थे वो बेहद लोकप्रिय थे, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, उनका जो यूट्यूब चैनल था उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, और ये जो प्यार है आप देख रहे हैं किस तरह से उमड़ रहा है वहाँ पर, जो उनके फैंस हैं उनके प्रशंसक हैं वो उनके पैतृक गांव पहुँचे जैसे उन्हें खबर मिली ये दुखद खबर कि अब सिद्धू मूसेवाला जीवित नहीं रहे। और जिस तरह से पूरी इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं, सियासत भी गरमाई हुई है, लेकिन सियासत एक तरफ और इस परिवार का दर्द आप देख रहे हैं किस तरह से माता पिता शव से लिपट कर किस तरह से रो रहे हैं, एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो माँ बाप ने किस तरह से किए अपने बेटे के दर्शन, और आप माँ का दर्द आप इस वक्त समझ सकते हैं, पिता का दर्द समझ सकते हैं, और किस तरह से उनके आंसू पहुँच रही हैं उनकी पत्नी एक दूसरे को दिलासा देते हुए।